बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लेक्चर 118। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग यूनिट 2 एचसीएफ एंड एलसीएम। एक्सरसाइज टू, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। एलसीएम आपने फाइंड करना है इस एक्सरसाइज में। हाउ यू कैन फाइंड एलसीएम, ओपन द पेज 24 ऑफ योर बुक्स, लुक एट दिस ब्लॉक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। Here L stand for least, M C stand for common and M stand for multiple. Least common multiple. Students, इस ब्लॉक को हाईलाइट करें। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू आर मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर डेट इज़ द मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। मीन्स जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हो, आपके पास जो प्राइम नंबर्स की वैल्यूज़ होते हैं उनका जो मल्टीपल है वो किसके इक्वल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। डिफरेंट नंबर्स जैसा कि ये 14, 15, 21 एंड 28 अगर आपके पास हैं तो इनका एलसीएम आपने फाइंड कैसे करना है। स्टूडेंट, इन प्रीवियस एक्सरसाइज 1 यू हैव ऑल लर्न अबाउट हाउ प्राइम फैक्टर्स यू कैन फाइंड। वहाँ भी आपने क्या किया, सेपरेट डिजिट्स, सेपरेट नंबर्स की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की। यहाँ भी आपने क्या करना है, सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इकट्ठी करनी है। यहाँ पे 14, 15 इन सबको एक साथ लेंगे और इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने इस तरह कर दी। जब ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाते हैं, इनका जो मल्टीपल होगा, इनको जब आपस में आप मल्टीप्लाई कर देते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होती है, एलसीएम के इक्वल। इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो फाइंड कर सकते हो। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन फर्स्ट देखें, 8, 24 एंड 30। अब इसका आपने एलसीएम जो है वो कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट्स, इसको इस तरह आपने राइट कर लिया 8, 24 एंड 30। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवाइज़र चूज़ करना है। इसका डिवाइज़र कैसे चूज़ करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि इन 3 नंबर्स पे कम्प्लीट डिवाइड हो रहा है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 2, 2, 2, 2, 4 ज़ा 8। इसी तरह आपने 24 को जब 2 पे डिवाइड किया इसको लोग 12 एंड नेक्स्ट 30 को जब 2 पे डिवाइड करोगे वो इक्वल किसके है, 15 के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो 3 वैल्यूज़ आपके पास हैं 4, 12 एंड 15, अब इसके लिए आपने नेक्स्ट रिपीटेड जब आपने डिवीजन करते जाना है तो डिवाइज़र जो है वो चूज़ करने हैं इन नंबर्स को देखते हुए। यहाँ पे अब देखिए 4 है, 4 का जो डिवाइज़र आप स्मॉलेस्ट लोगे वो क्या होगा, 2। इसी तरह नेक्स्ट भी आप 2 को जो है 12 को 2 पे डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे 2, 2 ज़ा 4, 2, 6 ज़ा 12। अब ये 15 जो है एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर को आप इवन पे जो है डिवाइड कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इस 15 को एज इट इज़ राइट करें। यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2, 6 और 15 की फर्दर डिवीजन करनी है, ठीक है। इसका डिवाइजर चूज़ करेंगे 2 बिकॉज ऑफ 2 एंड 6, 2, 1 ज़ा 2, 2, 3 ज़ा 6 एंड नेक्स्ट 15 जो है वो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको रिपीट एज इट इज़ राइट करना है। यहाँ पे लुक हियर 1, 3, 15, देयर 3 डिफरेंट नंबर्स 1, 3 एंड 15। अब आपने ऐसा कोई भी डिवाइज़र चूज़ करना है जो कि एनी नंबर पे कंप्लीट वो डिवाइड हो रहा हो। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, यहाँ पे 1 एज इट इज़ राइट करेंगे, तो यहाँ पे 3 है तो इसका डिवाइज़र क्या लेंगे, 3, 3, 1 ज़ा 3 एंड नेक्स्ट 15 पे जब आप 3 को डिवाइड करोगे देन इट इज़ इक्वल टू 5, 3, 5 ज़ा 15। एंड नेक्स्ट आपने इन 3 नंबर्स का 1, 1 एंड 5 इनका जब आपने डिवाइज़र चूज़ करना है तो वो डिवाइज़र क्या होगा, यहाँ पे 5 बिकॉज 1 एंड 1 जो है एज इट इज़ राइट करेंगे, 5, 1 ज़ा 5। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट होंगे तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह राइट करना है, मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ये एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई 5। इन सबको आपने क्या किया, इस तरह मल्टीपल फॉर्म में राइट कर दिया। नेक्स्ट इनके जब आपने मल्टीपल फाइंड करने हैं, 2, 2 ज़ा 4 एंड 4, 2 ज़ा 8 एंड नेक्स्ट इस आंसर को आप नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करो, 8, 3 ज़ा 24। अब यहाँ पे जो 24 आप गेट करोगे, 24 को मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, डेट इज़ इक्वल टू 120। अब यहाँ पे एलसीएम की जो वैल्यू फाइंड होती है वो किसके इक्वल है, 120। इसी तरह आपने क्या करना है, एक्सरसाइज के नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे गिवन हैं, इनके आपने प्राइम फैक्टराइजेशन जो है करनी है और इनके प्राइम फैक्टर्स को
मल्टीपल का साइन जो है इनमें पुट करते हुए इनके मल्टीपल फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर की वैल्यू होगी वो एलसीएम आपके पास फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, फोर नंबर्स हैं 12, 8, 16 एंड 26। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस में थ्री नंबर्स लाई कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में फोर नंबर लाई कर रहे हैं। अब मेथड इनका सेम होगा, फोर नंबर्स की भी डिवीजन आपने सेम इसी तरह इसी मेथड से रिपीटेड डिवीजन करनी है। इनके प्राइम फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हो तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल फाइंड आउट करोगे, डेट इज़ इक्वल टू एलसीएम। स्टूडेंट्स अब आपने करना क्या है कि इस कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर टू जिसमें आपने एलसीएम फाइंड करना है, इस कंप्लीट एक्सरसाइज की आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी मैथ की नोटबुक्स पे और उसकी पिक बना के सेंड करनी है।